नमस्कार, मैं कृतिका कटोच और आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट थ्रू द पॉइंट। इजरायली सेना का दावा, अलशिफा में मिले ऑटोमेटिक हथियार और हैंड ग्रेनेड आतंक फैलाने के लिए किया जा रहा था अस्पताल का इस्तेमाल। गाजा में मानवीय आधार पर युद्ध रोकने वाली मांग वाला प्रस्ताव पास, अमेरिका रूस यूके ने मतदान से बनाई दूरी। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने इसराइल की बात को ही आगे बढ़ाया। बाइडेन ने साफ कहा है कि ये जंग हमास के खत्म होने के बाद ही रुकेगी, जब तक हमास में कोई ताकत है उसके खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। आतंकवादियों के समर्थक में हमें ज्ञान न दे, तुर्की के राष्ट्रपति के बयान पर बरसे इसराइली पीएम नेतन्याहू। फिलिस्तीन ने अब भारत से लगाई गुहार, कहा आप शक्तिशाली हो, अपनी ताकत दिखाकर हमें इसराइल से बचाएं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी की सुरंग में पिछले चार दिनों से फंसे 400 मजदूर अब तक अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं। रेस्क्यू के लिए मंगवाई गई अमेरिकी ड्रिल मशीन। सेमीफाइनल में भारत की जीत के बाद वसीम अकरम और मिसवा उल हक ने भी शमी की तारीफ की। मणिपुर में आदिवासी संगठन ने केंद्र को दी चेतावनी, कहा मान्यता दो या ना दो, वो अपना शासन खुद स्थापित करेंगे। भारतीय सेना के त्रिशक्ति कोर जवानों ने बीआरओ की सहायता से तीस्ता नदी पर बेली ब्रिज को पूरा किया। इसका पूरा होने से उत्तरी सिक्किम के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र राज्यों के बाकी हिस्से जुड़ गए। दिल्ली एनसीआर का वायु प्रदूषण तोड़ रहा एक्यूआई का मीटर, 6 दिनों बाद बुधवार को दिल्ली में एयर इंडेक्स एक बार फिर 400 से ऊपर रहा है। देश दुनिया की 10 बड़ी खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट।